Welcome to my YouTube channel students today we will discuss classification of grids so far in grids we have discussed the introduction to grids then we discussed the construction and working of grids then finally we discussed grid parameters today in this video lecture we are going to discuss the classification of grids or you can say types of grids but before discussing grids यू स्ट नो ए टर्म दैट इज ग्रिड कट ऑफ आगे जाके मैं आपको ग्रिड कट ऑफ पे एक कंप्लीट टॉपिक समझाउगा लेकिन यहां पे आपको ग्रिड कट ऑफ की डेफिनेशन याद रखनी है ताकि आपको ये जो टाइप्स ऑफ ग्रिड्स हैं ये समझ आ जाए ठीक है हाँ तो देखिए गाइस कभी कुबार क्या हो जाता है कि जो ग्रिड्स में लेड सीट्रिप्स होती हैं उनकी मिस अलाइनमेंट होती है तो उस मिस अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी रेडिएशन ग्रिड से निकलती है वो लॉस हो जाती है तो आईसी लॉस जो कि प्राइमरी रेडिएशन को हुआ ड्यू टू द मिस अलाइनमेंट ऑफ द लेड सिट्रिप्स। दैट वेरी लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन इज कॉल्ड एज ग्रिड कट ऑफ सो व्हाट इज नाउ ग्रिड कट ऑफ ट ऑफ इज सिंपली द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन दैट ऑकर्स ड्यू टू दिस अलाइनमेंट ऑफ लेड लेड्रिप्स ठीक है देखिए गाइस मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ग्रिड कट ऑफ क्या होता है मैंने बोला कि कभी कुबार जो लेड सीट्रिप्स होती है ना जिनका ग्रिड बना होता है उनकी मिस अलाइनमेंट होती है ठीक है हाँ तो उस मिस अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है कि जो ग्रिड से प्राइमरी रेडिएशन निकलती हैं तो वो लॉस हो जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं ग्रिड कट ऑफ आई होप गाइज दैट कि ये जो ग्रिड कट ऑफ डेफिनेशन है ये आपको समझ आई होगी नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्रिडस ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रिड्स अगर हम ब्रॉडली देखेंगे ग्रिड्स के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं कौन कौन सा टाइप नंबर फर्स्ट इज स्टेशनरी ग्रिड्स एंड नंबर सेकंड इज मूविंग ग्रिड्स ठीक है हाँ तो आपको नाम से ही पता चलता है यहां पे कि स्टेशनरी ग्रिडस दीज आर दोस ग्रिडस विच डू नॉट मूविंग ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऐसे ग्रिडस जो के एक्सपोजर के दौरान मूव नहीं करते हैं ऐसे ग्रिडस को हम बोलते हैं स्टेशनरी ग्रिडस ठीक है हाँ इसी तरह से अगर हम मूविंग ग्रिडस देखेंगे दीज आर दोस ग्रिडस व्हिच मूव ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऐसे ग्रिडस जो एक्सपोजर के दौरान मूव करते हैं मूवमेंट करते हैं ऐसे ग्रिड्स को हम बोलते हैं मूविंग ग्रिड्स ठीक है हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ तो देन हम मूविंग ग्रिड्स लेंगे अच्छे से ठीक है हाँ. ग्रिड्स जो हमारे पास होते हैं इनके तीन टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं तीन टाइप्स नंबर फर्स्ट इज पैरेलल ग्रिड्स नंबर सेकंड इज क्रॉसर ग्रिडिस नंबर थर्ड इज फोकस ग्रिडिस ठीक है हाँ तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ स्टेशनरी ग्रिडिस वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पैरल ग्रिडिस वी विल टेक पैरल ग्रिडिस ठीक है हाँ जो पैरल ग्रिडिस होते हैं ना पैरल ग्रिडिस ऐसे ग्रिडिस होते हैं ऐसे स्टेशनरी ग्रिडिस होते हैं जिनमें लेड सी लेड सीट्रिप्स के बीच में क्या होता है इंटर स्पेसर्स जिनमें क्या होता है कि लेड सीट्रिप जिनके बीच में क्या है इंटर स्पेसर्स ये जो लेड सीट्रिप्स होते हैं दे आर पोजिशनड पैरल टू Each other in the longitudinal of the table. तो में जो होती हैं, वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाई इंटर और जो ये लेड्रिप्स होती हैं, ये कैसे पोजिशन किए जाते हैं पैरल टू तो ईच अदर यहां पर मैंने दिखाया है एक तो ये एक दूसरे के पैरल होते हैं ये लेड्रिप्स

तो ऐसे ग्रिड्स को हम क्या बोलते हैं ऐसे ग्रिड्स को हम बोलते हैं पैरल ग्रिड्स, ठीक है हाँ तो अगर हम ज्यादातर एक्सरे टेबल्स की बात करेंगे मोस्ट ऑफ द एक्सरे टेबल्स आर इक्विप्ड विद दिस पैरल ग्रिड्स, ठीक है तो जो ज्यादातर एक्सरे टेबल्स होते हैं उनमें कौन से ग्रिड्स होते हैं उनमें पैरल ग्रिडस होते हैं ठीक है, है? हाथ तो जो पैरल ग्रिड्स है ना पैरल ग्रिड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स इनको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है किन में फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स बट दे आर लेस यूज इन मॉडर्न रेडियोलॉजी दे आर लेस यूज इन मॉडर्न रेडियोलॉजी में इनका काफी कम यूज होता है ठीक है हा अब अगर हम पैरल ग्रिड्स की बात करेंगे पैरल ग्रिड्स की एक बड़ी एडवांटेज है इनकी एक मेजर एडवांटेज ये है कि दे एलो अस टू एंगल द एक्सरे ट्यूब अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रिड विदाउट एनी ग्रिड कट ऑफ तो इनकी एक मेजर एडवांटेज ये होती है कि इनके ऊपर इनको यूज करते हुए हम एक्सरे ट्यूब को एंगल दे सकते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रिड इस ग्रिड के लेंथ के अलोंग हम एक्सरे ट्यूब को एंगल दे सकते हैं और फिर कोई प्राइमरी रेडिएशन लॉस नहीं होगी ग्रिड कट ऑफ से दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस ग्रिड दे एलो अस टू एंगल द एक्सरे ट्यूब अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रिड विदाउट द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन बाय ग्रिड कट ऑफ ठीक है हाँ आई होप गाइज कि पैरल ग्रिड्स आपको क्लियर हुए इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेशनरी ग्रिड्स इज क्रॉस ग्रिडिस इज क्रॉस ग्रिड्स ठीक है देखिए जो क्रॉसर ग्रिड्स होते हैं ना तो सबसे पहले ये भी स्टेशनरी ग्रिड्स होते हैं कि एक्सपोजर के दौरान ये मूव नहीं करते हैं और ऐसे ये ऐसे ग्रिड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो पैरल ग्रिड्स आपस में सुपर इम्पोज किए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं ठीक है हाँ और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ठीक है यहां पर मैंने एक इलेस्ट्रेशन uh, दी है लेड सपोज दिस इज अलोंग दिस दिस इज वन पैरल uh, ग्रिड और मैंने इस पर यह माला दूसरा uh, मैंने इस पर पैरल ग्रिड सुपर इंपोज किया तो अब जो ये मुझे रिजल्टेंट ग्रिड मिला दिस इज ए क्रॉस ग्रिड दिस इज ए क्रॉसड ग्रिड सो वॉट इज नाउ क्रॉसड ग्रिड क्रॉसड ग्रिड इज सिंपली ए स्टेशनरी ग्रिड दैट इज मेड अप ऑफ टू सुपर इंपोज पैरल ग्रिड दैट आर परुलर टू ग्रिड रेशू देखेंगे दो सुपर इंपोज ग्रिड्स किए तो उनका जो समू uh, जो का जो सम होगा दैट विल बी द रिजल्ट लेने एक पैरल ग्रिड यहां पर लिया उसका ग्रिड रेशू है फाइव इज टू वन तो दूसरा जो मैंने लिया सपोज उसका भी जो ग्रिड है फाइव इज टू वन तो जो resultant होगा, होगा, और 1, 1 ही रहता है, है? ठीक so, क्या होगा? 10 is to 1. इसी तरह से अगर मैं 10 is to 1 plus 10 is to 1 वाले रिजल्ट सुपर इंपोज करूंगा तो जो रिजल्टेंट मुझे क्रॉस ग्रिड मिलेगा उसका कितना निकलेगा ग्रिड रेशू ट्वेंटी इज टू वन ठीक है हाँ

टेक्निक्स में हम क्रॉसर ग्रिड का यूज नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इन टेक्निक्स में उबलीग टेक्निक्स में क्रॉसर ग्रिड का यूज करेंगे तो हमें हम जब एक्सरे ट्यूब को एंगल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन आकर्स जो प्राइमरी रेडिएशन है उसका लॉस हो जाता है बाय ग्रिड कट ऑफ बाय ग्रिड कट ऑफ दिस इज क्रॉसड ग्रिड आई होप गाइज के पहले जो दो टाइप्स हैं स्टेशनरी ग्रिड्स के दैट इज पैरल ग्रिड्स एंड क्रॉसड ग्रिड्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुए हो गे. उ लेटस डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ स्टेशनरी ग्रिड दैट इज फोकस्ड ग्रेड दैट इज फोकसड ग्रिड ठीक है हा नाउ वी विल डिस्कस फोकसिंग ग्रिड फोकसड ग्रिड सबसे पहले आपको पता ही है कि फोकस्ड ग्रिड सिटेशनरी ग्रिड है क्या है ग्रिड ग्रिड और ऐसा सिटेशनरी ग्रिड होता है जिसमें लेड सिट्रिप्स जो होते हैं ना लेड सिट्रिप्स कैसे होती हैं लेड सिट्रिप्स आर और स्लाइटली इनको स्लाइटली स्लाइट एंगल दिया जाता है लेड सीट्रिप्स आर एंगल स्लाइटली इनको ये एंगल क्यों दिया जाता है ताकि ये स्पेस में एक पॉइंट पे या एक लाइन पे फोकस हो जाए ठीक है सो दैट दे फोकस इन स्पेस दे फोकस इन स्पेस तो गाइज ये क्लियर कर लेना मैंने बोला कि फोकस्ड ग्रिड्स ऐसे ग्रिड्स होते हैं जिनमें जो लेड लेड्रिप होती है ना दे आर एंगल्ड स्लाइटली उनको स्लाइट एंगल दिया जाता है ऐसे रखे जाते हैं स्लाइट एंगल दिया जाता है ताकि ये स्पेस में फोकस हो जाए चाहे फिर लाइन लाइन किसी लाइन पे फोकस हो जाए या किसी पॉइंट पे फोकस हो जाए लेकिन फोकस हो जाए कहां पे स्पेस में ठीक है तो ऐसे ग्रिड्स को हम बोलते हैं फोकस्ड ग्रिड्स ठीक है हां तो अब मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कि फोकस्ड ग्रिड्स कैसे होते हैं देखिए दिस इज ए फोकसड ग्रिड ठीक है हाँ तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि जो लेड स्ट्रिप है दे आर स्लाइडली एंगलड उनको स्लाइट एंगल दिया जाता है क्यों दिया जाता है ताकि ये स्पेस में फोकस हो जाए अब जो ये फोकसड ग्रिड्स है ना दीज फोकसड ग्रिड्स कैन बी लीनियर फोकसडर दीज कैन बी न बी क्रॉसड फोकसड तो यहां पे मैंने क्या बनाया यहां पे मैंने बनाया लीनियर फोकसड ये लीनियर फोकसड ग्रिड है ठीक है अब जो लीनियर फोकसड ग्रिड हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है कि ये जो लीनियर फोकसड ग्रिड्स होते हैं ना ये कन्वर्ज होते हैं दे कन्वर्ज एट ए लाइन इन स्पेस कॉल्ड एज कन्वर्जेंट लाइन कॉल्ड एज कन्वर्जेंट लाइन ये याद रखना मैंने बोला कि लीनियर फोकसड ग्रिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये कन्वर्ज हो जाते हैं या ये फोकस हो जाते हैं स्पेस में एक लाइन पे जिसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइन कभी कुबार पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट लाइन ज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिर ऑप्शन दी जाती है लीनियर फोकसड ग्रिड क्रॉसड फोकसड ग्रिड और कैन गिव दियर ठीक है हाँ तो ये गनवर्जेंट लाइन किसका फीचर होता है लीनियर फोकसड ग्रिड का देखिए ये जो ये वाली स्ट्रिप है लेट सपोज पे फोकस होगी यहां पे फोकस होगी ये वाली सिट्रिप यहां पे फोकस होगी ये वाली लेड सिट्रिप इसी पॉइंट पे ये वाली लेड सिट्रिप इसी पॉइंट पे ठीक है इस पॉइंट पे तो ऐसे यहां से ये वाली सिट्रिप यहां पे ये वाली UH सिट्रिप यहां पे ये वाली सिट्रिप, ये वाली सिट्रिप यहां पे तो ए, मैंने बोला पहले ही कि ये लीनियर फोकस्ड ग्रिड है तो ये जो दो पॉइंट्स जहां अगर हम इनको मिलाएंगे तो दिस इज द कन्वर्जेंट लाइन ये कौन सी लाइन है दिस इज कन्वर्जेंट लाइन कन्वर्जेंट लाइन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लीनियर ग्रिड का ठीक है अब अगर हम क्या करेंगे अगर हम आ, इसको क्या बनाएंगे क्रॉसड यानी दो फोकसड ग्रिड को सुपर इंपोज करेगी आईसी उनको भी एंगल देना है वो फोकसड है ना ऐसे तो ये जो अब फोकस्ड ग्रिड जो हमें बना लेकिन कौन सा क्रॉसड फोकस्ड ग्रिड तो सारी जो लेड सिट्रिप्स है ना ये सारी लेड सिट्रिप्स स्पेस में एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है फोकस होती हैं तो ऐसी ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट यानी जो

एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं फोकस होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट ठीक है, है? हां देखिए अब एक टर्म आती है यहां पे, उसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस देखिए अब चाहे अगर मैं इस ग्रिड से क्या करूंगा अगर मैं इस ग्रिड से इस कन्वर्जेंट पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर डालूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूगा या अगर मैं इस ग्रिड ग्रिड से इस कन्वर्जेंट लाइन तक कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो आईसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ग्रिड एंड कन्वर्जेंट पॉइंट और कन्वर्जेंट लाइन आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है अब अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे जो ग्रिडिस होते हैं ना प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे ग्रिडिस के पास क्या होता है हर एक ग्रिड के पास फोकसिंग रेंज होता है क्या होता है फोकसिंग रेंज होता है तो ये जो फोकसिंग रेंज होता है हर कोई ग्रिड इस फोकसिंग रेंज में काम करता है और इस फोकसिंग रेंज में कोई ग्रिड कट ऑफ नहीं होता है कोई लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन नहीं होता है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा मैंने बोला कि हर किसी ग्रिड का फोकसिंग रेंज होता है जिस फोकसिंग रेंज uh, में क्या होता है, कि इस ग्रिड को हम यूज कर सकते हैं और उस रेंज में कोई ग्रिड कट ऑफ नहीं होगा कोई लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन नहीं होगा ठीक है तो अब अगर हम यहां पे बात करेंगे किनकी सबसे पहले अगर हम देखेंगे हाई ग्रिड रेशू ऐसे ग्रिड्स की बात करेंगे जिनका क्या होता है जिनका ग्रिड रेशू ज्यादा होता है ठीक है हां तो ये जो हाई ग्रिड रेशू वाले ग्रिड्स uh, होते हैं इनका जो फोकसिंग रेंज होता है दियर फोकसिंग रेंज इज नैरो फोकसिंग रेंज क्या होता है नैरो होता है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या लूंगा मैं एक ग्रिड लोगा जिसका ग्रिड रेशू बहुत ज्यादा है सिक्सटीन इज टू वन क्या लिया मैंने सिक्सटीन इज टू वन वाला ग्रिड मैंने लिया अगर मैं इसको देखूंगा ना इसके पास थर्टी एट टू फोर्टी टू इंच का फोकसिंग रेंज होता है यानी इस रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं विदाउट ग्रिड घटा ठीक है हाँ तो इसी तरह अगर मैं अब क्या करूंगा अगर मैं अब लो ग्रिड रेशू लूंगा लो रेशू यानी ऐसा ग्रिड लूगा जिसका ग्रिड रेशू क्या होगा बहुत कम होगा तो उसका जो फोकसिंग रेंज होता है ना इट्स फोकसिंग रेंज इज लार्ज तो जो लो ग्रिड रेशू वाला ग्रिड है उसका फोकसिंग रेंज क्या होता है ज्यादा होता है फॉर एग्जांपल इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको फॉर एग्जांपल अगर हम फाइव इज टू वन वाला ग्रिड रेशो का ग्रिड लेगे फाइव इज टू वन ग्रिड रेशो का ग्रिड लेगे ठीक है तो ये तो बहुत ही कम ग्रिड रेशो है ना हाँ तो अगर हम इसमें फोकसिंग रेंज देखेंगे दैट इज 28 एट टू सेवेंटी टू तो इससे हमें क्या पता चला इससे हमें ये पता चला कि जिस ग्रिड का रेशो ग्रिड रेशो हाई होगा उसका फोकसिंग रेंज स्मॉल होता है और जिस ग्रिड का ग्रिड रेशू लो होगा उसका फोकसिंग रेंज क्या होगा आ, ज्यादा होगा क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है हां देखिए गाइज यहां पे मैंने आपको क्या समझाया यहां पे मैंने आपको कन्वर्जेंट लाइन और कन्वर्जेंट पॉइंट समझाया यानी यहां से हमें पता चला कि जो ग्रिड्स है ना या तो ये स्पेस में एक लाइन पे फोकस होते हैं या एक पॉइंट पे फोकस uh, होते हैं अब अगर हम यही अप्लाई करेंगे किस पे हमारे पार्लल ग्रिड पे या जिसको आप क्या बोलते हो लीनियर ग्रिड पे तो यहां पे लेड लेड्रिप्स की कोई एंगुलेशन नहीं होती है तो ये तो सीधे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पैरल ग्रिड में जो लेड स्ट्रिप्स है ना दे आर फोकस्ड एट इंफिनिटी वो कहां पे फोकस होते हैं वो इंफिनिटी पे फोकस होते हैं तो इस तरह से जो पैरल ग्रिड्स होते हैं ना इनके पास कन्वर्जेंट लाइन नहीं होती हैं. या हम बोलेंगे कि कन्वर्जेंट पॉइंट भी नहीं होता है ना इनके पास कन्वर्जेंट लाइन होता है ना इसके पास कन्वर्जेंट पॉइंट होता है इनके पास पैरल ग्रिड के पास बिकॉज दे आर फोकस्ड एट इंफिनिटी एज द लेड स्ट्रिप आर पैरल एंड देयर इज नो सच एंगुलेशन एज देयर इज इन फोकस्ड ग्रिडस आई होप गाइज कि स्टेशनरी ग्रिड्स और इसके टाइप्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ ग्रिड्स दैट इज मूइंग ग्रिड्स अब हम क्या पढ़ेंगे मूइंग ग्रिड्स ठीक है हां चलिए मूविंग ग्रिड्स मूविंग ग्रिड्स वेरी इंपॉर्टेंट मूवइंग ग्रिड्स ठीक है हाँ, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला मूविंग ग्रिड्स में स्टार्टिंग uh, में तो वो क्या था कि मूविंग ऐसे करते रहते हैं ठीक है अब जो मूविंग ग्रिड्स है ना मूविंग ग्रिड्स के दो टाइप्स हैं रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड्स और ऑसिलेटिंग ग्रिड्स सबसे पहले uh, इनको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं

तो सबसे पहला पॉइंट आपको मूविंग ग्रिडिस में ये याद रखना है कि मूविंग ग्रिडिस को किसने इन्वेंट किया हॉलिस ई पोर्टर ने 1920 में दैट इज वाई मूविंग ग्रिडिस आर कॉल्ड एज पोर्टर की ग्रिडिस अब अगर हम इनको स्टैशनरी ग्रिडिस के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टैशनरी ग्रिडिस में हमने क्या देखा स्टैशनरी ग्रिडिस में स्टैशनरी ग्रिडिस में हमने देखा कि जो रेडिएशन है ना प्राइमरी रेडिएशन इंटर स्पेस मेटीरियल से ट्रांसमिट होती थी और लेड uh, स्ट्रिप एब्सॉर्ब करती थी ठीक है इंटर स्पेस मेटीरियल से रेडिएशन ट्रा, ट्रांसमिट होती थी और लेड स्ट्रिप रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती थी स्कैटर्ड रेडिएशन को ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए अगर ये लेड सपोज ये लेड स्ट्रिप है ये लेड स्ट्रिप है ये लेड स्ट्रिप है तो ये क्या है है दिस इज इंटरस्पेसर मटेरियल ठीक तो रेडिएशन इससे पास हुई लेकिन जो रेडिएशन है कुछ रेडिएशन वो यहां पे एब्जॉर्ब हुई तो उससे क्या होगा जो ये रेडिएशन uh, इसमें से एब्जॉर्ब हुई लेड uh, सीट्रिप ने एब्जॉर्ब किया इससे क्या आ जाता है हमारा जो रेडियोग्राफ होता है हमारे रेडियोग्राफ पे शेडोज आती है क्या आती है शेडोज ठीक है सो दिस कास्ट इज ए शेडो ऑफ लेड सिट्रिप्स ऑन द रेडियोग्राफ ठीक है अब ये जो यहां पे क्या आए ये जो शेडोज आए लेड सिट्रिप्स के हमारे रेडियोग्राफ पे तो इट कैन डिग्रेड द इमेज क्वालिटी और इवन इट कैन लीड टू द मिस डायग्नोसिस सो इन ऑर्डर टू रिमूव इन ऑर्डर टू इलिमिनेट दीज शेडोज ए न्यू टाइप ऑफ ग्रिड

कि जो एक्सरे बीम लेड सिट्रिप में एब्जॉर्ब हुई एक मूवमेंट में जब ये मूव करेगा तो दूसरे मूवमेंट में क्या होगा दूसरे मूवमेंट में ये जो एक्सरेज हैं ये किस पे आएगी ये इंटरस्पेस मटेरियल से आएगी इस तरह से कोई शेडो नहीं आएगी इस तरह से शेडोज इलिमिनेट हो ठीक है इस तरह से शेडोज इलिमिनेट हो गए इलिमिनेट हो तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस मूविंग ग्रिड अब मैंने बोला कि जो हमारे मूविंग ग्रिड्स है ना इनके दो टाइप्स है कौन कौन सा टाइप है रेसिप्रोकेटिंग ग्रिडस एंड ऑसिलेटिंग ग्रिड्स ठीक है नाउ लेट डिस्कस द टाइप्स ऑफ मूविंग ग्रिड्स वन बाय वन सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग ग्रेडस हाँ, जो रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड है ना हियर द ग्रिड मूव्स बैक एंड यहां पे जो ग्रिड होता है ये ये जो रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड होता है है क्या करता इट मूव्स बैक एंड फॉकथ बाय अ मोटर इसके साथ कनेक्टेड uh, uh, होता है अगर ये ग्रिड है तो ग्रिड के साथ मोटर कनेक्टेड होता है तो uh, जब इसको मोटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो ये जो ग्रिड है ये क्या करता है इट मूव बैक एंड फॉर्थ कंटिन्यूअसली क्या करता है इट मूव बैक एंड फॉर्थ कंटिन्यूअसली और वो जो बैक एंड फॉर्थ मोशन होती है ना दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू टू थ्री सेंटीमीटर टू टू थ्री सेंटीमीटर जो इसकी बैक एंड फॉर्थ मोशन है ना दैट इज एक्स ट इज अप्रोक्सिमेटली टू टू थ्री सेंटीमीटर हां तो ज्यूरिंग द एक्सपोजर क्या होता है ज्यूरिंग द एक्सपोजर जब हम रोटर दबाते हैं तो यह जो ग्रिड होता है यह मूव करता है कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ और जब हम एक्सपोजर टर्मिनेट करते हैं स्टॉप करते हैं तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड होता है इट ऑल्सो स्टॉप टू मूव ठीक है यह होता है रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मूविंग ग्रिड इज ऑसिलेटिंग ग्रिड ऑसिलेटिंग ग्रिड देखिए, ऑसलेटिंग ग्रिड में बेसिकली क्या होता है जो ऑसिलेटिंग ग्रिड होता है ना अस सपोज ये ऑसिलेटिंग ग्रिड है तो ऑसिलेटिंग ग्रिड के अराउंड इसके अराउंड क्या होता है इसके अराउंड टू टू थ्री सेंटीमीटर स्पेस होती है क्या होती है टू टू थ्री सेंटीमीटर स्पेस होती है और ये जो ग्रिड होता है इसको को ये किसके साथ कनेक्टेड होता है इसके इसको कौन सा प्लाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्टेड होता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट से इसको क्या किया जाता है इसको फॉरवर्ड लिया जाता है इस ग्रिड uh, को फॉरवर्ड uh, लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो ये जो ग्रिड uh, है ये क्या करता है इट सिटॉट्स टू ऑसिलेट ये ऑसिलेट करता है एंड वो जो ऑसिलेशन है uh, uh, कितने देर के लिए होती है 20 टू 30 सेकंड के लिए वो ऑसिलेशन होती हैं वो ऑसिलेशन स्टॉप कब करती है आफ्टर 20 टू uh, बाद ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है ठीक है ऑसिलेटिंग ग्रिड बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड और ऑसिलेटिंग ग्रिड ऑसिलेटिंग ग्रिड का काम होता क्या है टू रिमूव दिट्रप फ्रॉम द रेडियोग्राफ ठीक है तभी तो इनको हमने इंट्रोड्यूस किया होप गाइज कि जो मूविंग ग्रिड्स थे इनको भी आपने अच्छे से समझा तो इसके बाद फाइनली मैं आपको आ, तीन पॉइंट बोलूंगा ग्रिड के बारे में तो वो आप याद रखना वो आ, कभी कुबार एंट्रेंस में पूछते हैं ठीक है हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप एक हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है हा देखिए जब हम पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे जब हम क्या करते हैं जब हम एक ग्रिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो ग्रिड तो हम किसके दरमियान इंट्रोड्यूस करते हैं कैसेट और पेशेंट के दरमियान तो उससे क्या हो जाता है ग्रिड इंट्रोड्यूस करने से जो ट्यूब और पेशेंट के दरमियान डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होती है तो बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रिड बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रिड क्या हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड ट्यूब इंक्रीजेस तो जब पेशेंट और ट्यूब uh, के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो मैग्निफिकेशन ऑकर्स तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन जब हम एक ग्रिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैग्निफिकेशन है, तो आती है दिस इज नंबर वन इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कोई भी ग्रिड हो चाहे स्टेशनरी टाइप हो या मूविंग ग्रिड हो कोई भी ग्रिड हो

नॉर्मली अगर हम देखेंगे ना नॉर्मली 90 के पे 90 के पे हम कौन से ग्रिड्स यूज करते हैं जिनका ग्रिड रेशू एट इज वन होता है ठीक है ये पॉइंट भी याद रखना 90 केवीपी पे हम आ, ऐसे ग्रिड्स यूज करते हैं जिनका ग्रिड रेशू कितना होता है जिनका ग्रिड रेशू एट इज टू वन होता है इसी तरह से अगर हम 120 ट्वेंटी केवीपी देखेगा ना 120 ट्वेंटी केवीपी पे नॉर्मली ट्वेल्व इंस टू वन ग्रिड रेशू के ग्रिड्स यूज होते हैं ग्रिड रेशू के ग्रिड्स यूज होते हैं नाइनटी केवीपी पे एट इंस टू वन एंड 120 ट्वेंटी इंसू वन ग्रिड रेशू के ग्रिड्स यूज होते हैं गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप दैट आप सब लोगों को ये टॉपिक uh, समझ आया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स को भी बेनिफिट मिले फी अमान